नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन नेवी MR के लिए GK का एक मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, लगातार मैं आपको GK के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, अगर आप इंडियन नेवी MR की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा, और वीडियो पूरा देखने के बाद मुझे कमेंट करके भी अपना स्कोर जरूर से बताइएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में दिख रहे घंटी के आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, मैंने आपके लिए जो है GK और साइंस की ई-बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, PDF फॉर्मेट में है, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैक्सिमम दोस्तों उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन की। और सबसे पहला क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एरोसील जो है कैन का आविष्कार किसने किया, एरोसील कैन का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, एरिक रोथिम। एरिक रोथिम ने दोस्तों एरोसील कैन का आविष्कार किया था। ये नॉर्वे के एक वैज्ञानिक थे, और दोस्तों LED का आविष्कार जो है 1962 में हुआ था, तो ये बातें भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है, नीरज चोपड़ा का नाम कौन से खेल से जुड़ा है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाला फेंक। नीरज चोपड़ा का नाम दोस्तों बाला फेंक से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास जो आता है, एक और बात दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने 2016 में पोलैंड में आयोजित अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक भी जीता था, और इनका नाम जो है बाला फेंक खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं। तो दोस्तों जो है लक्षद्वीप जो है अरब सागर का एक प्रमुख द्वीप है, आप सभी को पता है। यह दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, और यहाँ पर दोस्तों मुख्यतः मलयालम बोली जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी दोस्तों कवारत्ती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है, रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि रांची किस राज्य की राजधानी है। तो आप सभी को पता है दोस्तों जो है रांची झारखंड राज्य की राजधानी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी दोस्तों, गोवा की पणजी आप सभी को पता है, हिमाचल प्रदेश की शिमला और छत्तीसगढ़ की रायपुर जो है राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, प्रोमिस मी ए मिलियन टाइम जो है पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों पुस्तक का नाम है प्रोमिस मी ए मिलियन टाइम्स, पुस्तक के लेखक कौन है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं दोस्तों, आपको सही उत्तर बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों केशव अनिल जो है इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, अजय देवगन द्वारा प्राप्त सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो दोस्तों अजय देवगन एक अभिनेता हैं, आप सभी को पता है, 2016 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कब मिला दोस्तों, 2016 में जो है अजय देवगन को पद्मश्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, कोंकणी डैश की शासकीय भाषा है। तो दोस्तों जो कोंकणी है ये दोस्तों गोवा की शासकीय भाषा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वर्ष 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना था, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो दोस्तों बुद्ध काल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता या फिर तोतिया हिंद कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो है अमीर खुसरो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो ब्रह्म समाज था इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है, HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नव कृषि नीति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों,
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में नेवी के एग्जाम में पूछा गया था अलमाट्टी बांध किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों अलमाट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ध्यान रखिए अलमाट्टी बांध जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है यानी सबसे ज़्यादा किस पेड़ कौन से पेड़ जो है नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यूकेलिप्ट्स हो जाएगा, यूकेलिप्ट्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा खासी, खासी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा खासी। आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों कि खासी जो जनजाति है वो मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी दोस्तों जो खासी पहाड़ी प्रदेश है इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की। तो दोस्तों आप सभी को पता है 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या जो है भगत सिंह ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के अग्रणी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के अग्रणी थे। तो दोस्तों बारदोली सत्याग्रह के अग्रणी नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वहीं पर दोस्तों नेतृत्व करते हुए महिलाओं ने सरदार जो है पटेल जी को सरदार की उपाधि भी दी थी, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीगुप्त, जो है गुप्त युग का प्रवर्तक श्रीगुप्त था। ये दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक भी था, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था, तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों जो गुप्त राजवंश था वो कला तथा स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन नंबर ए कला तथा स्थापत्य के लिए जो है गुप्तकाल प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, नेकचंद का प्रसिद्ध रॉक गार्डन डैश में है, नेकचंद का प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ पर है। तो दोस्तों रॉक गार्डन से आपको सभी को पता है कि चंडीगढ़ में जो है रॉक गार्डन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है, सलतोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है जो सलतोरा पर्वतमाला है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों जो सलतोरा पर्वतमाला है ये कराकोरम पर्वतमाला का एक अंग के रूप में है दोस्तों, और ये जो है सलतोरा पर्वतमाला हिमालय के कराकोरम का ही जो है भाग है दोस्तों, यह कराकोरम का हृदय स्थल कहलाती है जो सियाचिन ग्लेशियर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। सालतोरो दोस्तों घाटी के नाम पर ही इस पर्वत का नामकरण जो है किया गया था। इसे भारत में जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा बताता है, तो पाकिस्तान जो है गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा बताता है, लेकिन ये जो है ऑप्शन नंबर सी कराकोरम पर्वतमाला का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक वर्षा के लिए जो है उत्तरदायी होता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपासी, वो दोस्तों वर्षा स्त्री कपासी बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जो है उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, डैश विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से मकर रेखा भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, डैश विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ से मकर रेखा तथा भूमध्य रेखा निकलती है, यानी आप सेंटर कह सकते हैं दोस्तों, और इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ब्राज़ील से भूमध्य रेखा मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी समकक्ष
व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी पहली बैठक कहाँ आयोजित की थी? चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन ने 2018 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी पहली बैठक कहाँ आयोजित की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलेंस्की। हेलेंस्की जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्नलिखित केंद्रीय मंत्री द्वारा गोवा आईटी नीति 2018 का अनावरण किया गया था। निम्नलिखित केंद्रीय मंत्री द्वारा गोवा आईटी नीति 2018 का अनावरण किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जो रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारे पास जेके का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको बेस्ट बुक्स के लिंक दिए हुए हैं, एक बार जरूर से चेक कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।